वेलकम टू माई क्लास चैनल। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, गिवन डैट द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, और जो है कैलकुलेट हमने करना है एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर। ये जो है ना, ये सेक्टर शेड है, ठीक है, और इसका हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एंगल भी गिवन है, 60 डिग्री एंगल है, और पाई 3.14 पुट करना है हमने, ठीक है। हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि रेडियस जो है ना हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल वो किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर की। एरिया फाइंड करना है शेडेड सेक्टर का, तो एरिया ऑफ ए शेडेड सेक्टर वो फाइंड करना, ओके। पाई जो है उसकी वैल्यू गिवन है 3.14, और एंगल भी जो है एक्स के इक्वल है, एंगल यहाँ पर राइट कर देते हैं, वो एक्स के इक्वल है, और वो भी गिवन है, डेट इज़ 60 डिग्री। अब हमने क्या करना है, हमने जो है एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर। फॉर्मूला उसका ये होता है एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर फाइंड करने का, कि एक्स मतलब एंगल ऊपर बाय 360 डिग्री, एंगल जो भी है हमारे पास सर्कल का ये वाला वो ऊपर आ जाएगा 60 डिग्री, और 360 क्या है, जो टोटल सर्कल का एंगल होता है हमारे पास 360 के इक्वल होता है, बिकॉज हाफ सर्कल जो है 180 के, टोटल 360 के मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास इक्वल होता है बाय आर स्क्वायर के, ओके। यहाँ पे आप पहले राइट कर सकते हो एरिया ऑफ सर्कल, नेक्स्ट आप फॉर्मूला राइट करके कर सकते हो पुट। मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक्स जो है एंगल मेरे पास 60 डिग्री की इक्वल है, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी। 360 डिग्री मेरे पास नीचे का नीचे वैसे ही आ जाएगा। पाई मेरे पास 3.14 मैं पुट कर लेती हूँ। आर मेरे पास यहाँ पर 5 है, तो आर का स्क्वायर है, तो 5 का भी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट में मैं ये कर लेती हूँ, कट कर देती हूँ। 61 टाइम 60, 60 कितने टाइम, 360 होता है 6 टाइम, 1/6 आ जाएगा, 1 डिग्री 6 डिग्री रह गया। यहाँ पर 3.14 और 5 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25, मैं इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है उसको 6 से डिवाइड करो, तो देखो क्या आता है, 13.09 आ रहा है। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन देख लो कि जब आपने फाइंड करना एरिया ये शेडेड रीजन का, ठीक है, ये शेड कर लो, तो क्या करना है, सिंपल है। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आया, आपने यही फॉर्मूला यूज़ करना, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि रेडियस आपके पास गिवन हो, एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर फाइंड करना हो, पाई वैल्यू 3.14 है, ठीक है, वो आपको पता है, वो फिक्स ही होती है ना, 22/7 या 3.14 एक ही बात है। तो रेडियस गिवन था, एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर फाइंड करना था, क्वेश्चन मार्क मैंने राइट कर दिया। पाई एंगल गिवन था 60 डिग्री, वो मैंने राइट कर दिया। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर फाइंड करने का, एक्स बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ ए सर्कल। फिर मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक्स की वैल्यू पुट की, मतलब जो मेरे पास एंगल गिवन था 360, जो टोटल एंगल था वो राइट किया, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू, आर जो रेडियस था वो उसके ऊपर स्क्वायर आ गया। दैन इस तरह से ये सॉल्व हो गया। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई इन सबको करो, जो आंसर आ रहा है उसको 360 डिवाइड करो, तभी यही आ रहा है, ठीक है। ये तो ये था कि अगर आपके पास एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर फाइंड करना हो, और अगर आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि जिसमें आपने ये लेंथ फाइंड करनी हो, ठीक है, आर्क की लेंथ, ये एक सेक्टर है, उसमें आपने ये आर्क लेंथ जो है फाइंड करनी हो, तो क्या करना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ इक्वल होता है एक्स बाय 360, जैसे हमने अभी किया वही है, लेकिन यहाँ पर सर्कमफेरेंस आता है, वहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पर जब लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी हो ना इस तरह से सेक्टर की ये वाली, तो वो 2πr लगाना है, ठीक है, सर्कमफेरेंस बाकी सेम रहेगा। और जब आपने ये करना है कि आपने शेडेड एरिया, शेडेड रीजन जो है, शेडेड सेक्टर, उसका एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, ये डिफरेंस है दोनों में। तो होप सोचे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।